सो मनोज जी, अगर मैं पूछूं स्पिरिचुअलिटी पे चलते चलते आपने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस होते देखे हैं, क्या बेनिफिट होते देखे हैं, थोड़ा सा अगर उसको हाईलाइट और ज़्यादा करेंगे तो। सो पर्सनल लाइफ, लाइक जैसा मैंने बोला था कि मुझे लगता था कि लाइफ का मतलब है खाओ पियो मस्त रहो, ये और डिस्को जाओ मस्त करो, मज़ा करो, ड्रिंक करो, ये करो ना, और सिर्फ मेरे लिए ही सोचता था या मैक्सिमम मेरे परिवार के लिए। ये मेरा, ये विश्व मेरा परिवार है, ये दिमाग में कभी मतलब सोच भी नहीं था। तो ये जो शुरुआत हुई तो ये आध्यात्मिक, मैंने व्हेन यू गो इनसाइड यू रियलाइज कि जो मेरे अंदर है आपके अंदर है, आपके अंदर है जो भी देख रहे हैं, तो मेरे अंदर मतलब वो एनर्जी सेम है, स्पिरिट सेम है, तत्व सेम है। तो वो तत्व टू तत्व व्हेन वी गेट कनेक्टेड देन एवरीथिंग इज़ वन। हमने रोल अलग लिया है, फादर का रोल, हस्बैंड का रोल, गुरुकुल का जो यू कैन से डायरेक्टर का रोल, विच पर अलग अलग रोल लिए हैं, लेकिन रोल जब टेम्पररी है, अंदर से हम ये छोड़ेंगे तो हम एक हो गए। तो ये इसमें होते हुए एक हो हुए तो बेनिफिट ही बेनिफिट, द मोस्ट बेनिफिट इज देर इज़ नो अटैचमेंट, एट द सेम टाइम देर लॉट ऑफ पीस विद हिम, सो यू आर नॉट डिस्टर्ब बाई एनी थिंग विच इज़ हैपनिंग आउटसाइड। डिस्टर्बेंस आता है, ऐसा नहीं कि कोई बीच में आ गया रिकॉर्डिंग में तो, बट वो टेम्पररी, इट इज़ अ हेल्दी डिस्टर्बेंस। तो स्ट्रेस तीन किस्म का होते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इज कुछ ट्रॉमा हो गया तो डिस्ट्रेस, कंटिन्यूसली कोई आपको चिढ़ा रहा है वो मिस्ट्रेस हो गया। और यू स्ट्रेस इज हेल्दी स्ट्रेस। स्पोर्ट्समैन जब गेम खेलता है तो 100% उस टाइम स्ट्रेस आता है, लेकिन गेम के बाद अगर स्ट्रेस वो पकड़ कर रखता है, मैं क्यों हारा, वो डिप्रेशन में सुसाइड भी कर लेगा। लेकिन वो स्पोर्ट्समैन है तो वो स्पोर्ट्स भूल जाता है, नेक्स्ट दिन वापस से शुरू करता है। ये है हेल्दी स्ट्रेस, इट्स कॉल्ड यू स्ट्रेस। ये स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटमेंट इन द लाइफ, नहीं तो बैठे रहेंगे उसमें। कोई क्या भगवान ने या ईश्वर ने या वॉट एवर यू कॉल इट, उन्होंने अगर हमको इधर भेजा है एक पूरा विश्व का आनंद लेना, उसका जो रस निकालना, जूस निकालना, लाइक कृष्ण जी इज लाइक एवरीथिंग, फ्लूट बजाए तो रस है, डांस किया तो रस है, खाना खाया तो रस है, खाने का ज़रूरत नहीं है फिर भी खाते हैं, आनंद ले रहे हैं, वो इसीलिए हमको इधर भेजा है। तो वो हम, द क्वेश्चन वॉज दैट फॉर दैट यू है क्रिएट वन गोल, you create a little goal and that is for that goal to achieve the goal you go through some you stress which is consciously you are putting yourself only to play the game. Correct. रात को नींद खूब आती है क्योंकि वो भूल गए दूसरे दिन वापस। तो ये हमको ये जीवन में ये अनुभव कर लिए, हमने ही चुना है कि हम आए और अनुभव करना है। So we experience everything and enjoy the experience, that's it.